हाय गाइस, दिस नमकीन से स्टीम हियर। माय नेम इज सादिक। सहरेश। सलीमा। और आज हम जिस वीडियो पे करने वाले हैं वो सुशांत सिंह के बारे में है। उनकी यस अनफॉर्चूनेटली उनकी आज डेथ हुई है ड्यू टू सुसाइड। अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और सडनली मैं न्यूज़ मिली कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। वेरी शॉकिंग न्यूज़। या इट इज एक्चुअली सबके लिए, और इनफैक्ट जो फेसबुक सब छोड़ कर अपने ना डाल रहे हैं कि यार क्या हो गया, कैसे हो गया। एक तो वो एक्टर जिसमें सारी क्वालिटीज है, ठीक है, एक अच्छा फेस, डांसर और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ उसके पास है, एंड देन इतना सब कुछ। एटलीस्ट मैंने इसे बता दिया है कि फेम पैसा कुछ भी नहीं है जब तक आप खुद मेंटली आप खुश नहीं हो। इसे जाते जाते ये हमें समझा दिया है कि ये सब कुछ भी नहीं है। अच्छा, और ये पहला इंसिडेंट नहीं है ऐसा कि किसी ने सुसाइड की सेलिब्रिटी ने, मतलब ऐसे भी, मतलब अगर से बॉलीवुड की बात करो तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज मतलब इसी तरह मतलब अपने रूम पे पाए गए, उन्होंने डेथ की थी और मतलब उनकी डेथ हुई थी सुसाइड की वजह से। और भी बहुत है जो अभी तक यानी बाहर नहीं है, जिसका जिक्र अभी इतना हुआ नहीं है। जैसे पास्ट में दिव्या भारती का अगर आपको पता हो, वो खैर अलग लोग कहते हैं कि अलग अलग उसकी मिस्टीरियस सर्कमस्टांस में मारी गई थी वो, लेकिन इसके अलावा जैसे लास्ट आई थिंक 6 मंथ्स बैक खुशहाल पंजाबी नाम का एक बंदा था, वो मारा गया था। वो भी मतलब एक सपोर्टिंग एक्टर था, जिया खान, वो मारी गई थी। इस तरह अगर बॉलीवुड से बाहर जाए तो रॉबिन विलियम्स, वो उसकी भी ऐसी मिस्टीरियस सर्कमस्टांस में हुई थी। फिर आपके हीथ लेजर, उनका भी कुछ ऐसे ही हुआ था। तो मतलब यू नो कुछ पता नहीं चलता है कि किस तरह की एक्चुअल स्टोरी पीछे का नहीं पता कि क्या है, मतलब ऐसी क्या मजबूरी थी उसकी जो इसने स्टेप उठाया, ठीक है, ये हमको नहीं पता है। बट काफी लोग कह रहे हैं डिप्रेशन की वजह से वो ज्यादा था एंड वो इतना हो गया कि उसने सुसाइड कर ली। इस तरह से काफी न्यूज आ रही थी। लोग यही कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ इसके इश्यूज थे, लेकिन हालांकि जो मैं देख रहा हूँ सक्सेसफुल एक्टर, मुझे कोई इसकी बहुत कम फिल्म ऐसी जो नाकाम हुई है, और मतलब अभी लास्ट इसकी आई थिंक रीसेंट फिल्म ड्राइव थी जो नहीं चल पाई, बाकी तो ही वाज डूइंग गुड। एंड मैंने जितना सुना हॉटस्टार पे एक मूवी आने ही वाली है, दिल बेचारा, आई थिंक 4 में ऐसे कुछ आ रही थी, वो कंप्लीट हो गई थी, बस रिलीज होने वाली थी। और देन मैंने कहा आई एम सो सरप्राइज कैसे हो गया, जहां उस लड़के 2008 से 900 से पवित्र रिश्ता से और बाकी टीवी टेलीविजन से ड्रामा मतलब उसमें आया, और उसको देख कर सब लोग कहते थे ये लड़का आगे तक जाएगा। उसको इतना अच्छा, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि वो बॉलीवुड में आए और अपना टैलेंट दिखाए, और ऐसे ऐसे लोग जाने लगे। एंड इनफैक्ट मुझे सबसे अजीब लगी ये बात कि 3 जून को उसने अपना पोस्ट किया था एक एंडलेस कुछ कोट डालकर, एंड देन आई वाज लाइक यार अभी तो उसने डाला है अपना पोस्ट, हाउ कैसे हो गया। 10 मिलियन फॉलोवर्स उसके, सब शॉक्ड हैं कि क्या हुआ उसके साथ। एंड यू नो छोरे मूवी में भी उसने जो क्या एक सब्जेक्ट दिया था, और मुझे वही आया था, मैंने कहा आई थिंक उसमें ही सुशांत था, तो ये मैंने हाँ वही था, तो मैंने कहा उसने खुद ये लेसन दिया और वो खुद सो बैड। वो अपने बेटे को कहता है कि नहीं करना है, और बेटे को बताता है कि भाई आपने कर ली लेकिन आप अटेम्प्ट किए, लेकिन ये दैट्स नॉट द सॉल्यूशन, सुसाइड हो रही है सर। और हम वैसे भी ब्लेम भी नहीं कर सकते ना बोल सकते हैं कुछ, बस अब यही ब्रेक कर सकते हैं कि हां एक सिंपैथी होनी चाहिए बस। सो हम बायोग्राफी देखते हैं कि कुछ यादें जो अब हम देख सकते हैं। वेरी सक्सेसफुल एक्टर। हाल ही में जब सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे रिलीज हुई थी, तो उस फिल्म में वे सुसाइडल थॉट से किस तरह डील करा जाए ये मैसेज देते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन आज 34 वर्षीय सुशांत सिंह राजपूत ने खुद जिंदगी के आगे अपने घुटने टेक दिए। कुछ हफ्तों पहले आई इरफान खान और ऋषि कपूर की मृत्यु की खबर से हमारा देश उभर ही रहा था कि 2020 में एक और दुखी करने वाली खबर आ गई। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, और अब वो हम सबके बीच नहीं रहे। सुशांत के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर इस मुकाम को हासिल किया था। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। इसी तरह की गूंज हमने सुशांत के इरादों में भी देखी, और इसी वजह से आज उनका नाम हर कोई जानता है। आज की इस वीडियो में हम MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी और काइपोजे जैसी सफल फिल्मों में काम करने वाले सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी की कहानी जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने मुकाम हासिल करा। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 को बिहार के पटना में हुआ था। उनके पिता KK सिंह एक सरकारी अधिकारी हैं। सुशांत की 4 बहनें भी हैं, जिनमें से एक नीतू सिंह नेशनल लेवल की क्रिकेट प्लेयर है,
सुशांत ने बहुत छोटी उम्र में जब वह केवल 12वीं क्लास में थे अपनी माँ को खो दिया था और इसी हादसे के बाद वह पटना छोड़कर दिल्ली आ गए थे। सुशांत की शुरुआती पढ़ाई सेंट कैरेंस हाई स्कूल पटना से हुई थी। उन्होंने 11th क्लास में नेशनल ओलंपियाड में फिजिक्स के एग्जाम में गोल्ड मेडल भी जीता था और आगे की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली के कुलची हंसराज मॉडल स्कूल से करी। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उन्होंने जेईई की तैयारी करी और जेईई मेंस के एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक स्कोर करी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी शुरू करी, लेकिन एक्टिंग और थिएटर में बढ़ते इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी नहीं की। इसके बावजूद भी सुशांत पढ़ाई में काफी अव्वल थे, इस वजह से वे कई एग्जाम्स में बिना पढ़े ही पास हो जाते थे। उनका सपना पहले एक एस्ट्रोनॉट बनने का था और वह उसी के लिए दिन रात पढ़ाई भी करते रहते थे। पर आपको बता दूं कि इसी वजह से वह एक बार नासा विजिट करने के लिए भी गए थे, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वह अपना करियर फिल्मों में बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने इंजीनियरिंग के साथ साथ कोरियोग्राफर श्यामक डाबर की डांस क्लास भी ज्वाइन कर ली। वहाँ श्यामक इनके डांस से काफी इम्प्रेस हुए और इन्हें अपने मेन डांस ग्रुप में शामिल कर लिया। सुशांत के करियर की शुरुआत बैकअप डांसर के रूप में हुई थी। दोस्तों, आपने अवार्ड शोज में जो स्टेज परफॉर्मेंसेज होती हैं, उनमें आपने देखा होगा कि एक्टर्स के पीछे एक पूरा डांस ग्रुप परफॉर्म कर रहा होता है, तो सुशांत भी अपनी इंजीनियरिंग के पहले 2 सालों में इन्हीं डांस ग्रुप्स में डांस किया करते थे। थर्ड ईयर की पढ़ाई पूरी करने के बाद सुशांत ने अपनी इंजीनियरिंग छोड़ दी। सुशांत को 2006 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के एक स्टेज शो में ऐश्वर्या राय के साथ परफॉर्म करने का भी मौका मिला था और उन्होंने फिल्मफेयर अवार्ड्स में भी कई बार डांस किया हुआ है। सुशांत को स्टार्टिंग में एक्टिंग करने की इंस्पिरेशन शाहरुख खान से मिली। मुंबई आने के बाद उन्होंने एक डांस ग्रुप के साथ भी परफॉर्म करा, इसको फेमस कोरियोग्राफर आयशे लोगों ने ट्रेन किया था। इसके बाद उन्होंने यहाँ एक थिएटर ज्वाइन करा और वहाँ बहुत काम करा, और शायद यही कारण रहा कि वह एक हार्ड वर्किंग एक्टर बनने में सफल रह सके। उन्होंने फेमस एक्शन डायरेक्टर एलन अमीन से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेनी भी शुरू कर दी। यहीं पर उन्हें सबसे पहले बालाजी टेलीफिल्म्स की कास्टिंग टीम ने नोटिस करा, जिसके बाद उनके करियर की शुरुआत किस देश में है मेरे दिल टीवी शो से हुई, जिसमें उन्होंने प्रीत जुनेजा का किरदार निभाया था, लेकिन उस शो में उनका रोल जल्दी ही खत्म हो गया। हाँ, लेकिन इसमें भी सुशांत ने पूरी कोशिश की कि लोगों तक अपनी पहचान पहुंचा सके, लेकिन इसके बाद जिंदगी का शो पवित्र रिश्ता उनके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुआ और इस शो के जरिए उन्होंने व्यूअर्स के दिल में अपनी जगह बना ली और घर घर की पसंद बन गई। सुशांत ने रियलिटी शो जैसे जरा नच के दिखा 2 और झलक दिखा जा 4 में भी हिस्सा लिया। इन्हें टीवी शो पवित्र रिश्ता के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला और कुछ समय बाद ही सुशांत ये शो भी बीच में छोड़कर आउट ऑफ इंडिया थिएटर सीखने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने अभिषेक कपूर की फिल्म काई कोचे का ऑडिशन दिया, जिसके बाद इन्हें फिल्म में मेन रोल के लिए सेलेक्ट करा गया। फिल्म काई पोचे चेतन भगत की नॉवल द 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ पर बेस्ड थी। इस फिल्म ने भी थिएटर में खूब नाम कमाया और अपनी पहली ही फिल्म से सबकी नजरों में अपनी जगह बनाने वाले सुशांत का जीवन इतना आसान नहीं रहा था। माँ बाप की इच्छा के बिना उन्होंने फिल्मों को अपना करियर चुना और आज इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही मुकाम बना लिया है। काई पोचे के लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू के अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी करा गया। सुशांत को उनकी पहली फिल्म के बाद जब शुद्ध देसी रोमांस मिली तो उनके बड़े स्टार ना होने की वजह से उनके साथ कोई भी एक्ट्रेस काम नहीं करना चाहती थी और यही वजह थी कि उनकी इस फिल्म में काफी टाइम बाद परिणीति को लिया गया, लेकिन धीरे धीरे इन्हें वो पॉपुलैरिटी मिलने लगी और साथ में कई फिल्में भी मिली जैसे पीके, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, राबता और केदारनाथ। और सुशांत ने टीवी को अलविदा बोलते वक्त ये डिसाइड कर लिया था कि अगर वह फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हिट हुए तो वह फिल्म सिटी में कैंटीन खोल लेंगे और खुद ही शॉर्ट फिल्म्स बनाने लग जाएंगे, लेकिन थैंकफुली उन्हें वह काम नहीं करना पड़ा और फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपना टैलेंट दिखाकर ये साबित कर दिया कि जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। आज बेशक सुशांत हम सबके बीच नहीं रहे, पर उनकी यादें और उनका फिल्मों में शानदार काम हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आत्महत्या किसी भी तरह से किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होती। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है जो अपनी जिंदगी में समस्याओं का सामना कर रहा हो तो आप आगे आकर उनसे बात करो, यही उनकी मदद की तरफ आपका पहला कदम हो सकता है। मेंटल हेल्थ जैसे इश्यूज कितने आवी हो सकते हैं, ये आज हम सभी ने सुशांत की कहानी में देखा। हमें मेंटल हेल्थ जैसे टॉपिक्स पर आगे आकर अपने समाज में बातचीत बढ़ानी होगी, तभी आने वाले समय में बदलाव आ सकेगा। बायोग्राफी कितनी अच्छी थी यार, काफी ज़्यादा अच्छा डिस्क्राइब किया एंड
स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसे सक्सेस ही मिली है. हाँ. मतलब वो जरूर उसने अपना स्ट्रगल किया है, मेहनत की, उसके बाद जाकर उसको ये मिला है, पर मिली जरूर है. तो मतलब मुझे इतना वो लग रहा है कि क्यों सुसाइड, क्या मतलब कोई सोल्यूशन वाकई नहीं है इसका कि आप इतना, आप उल्टा यहाँ लोगों को बोलते जा रहे हो कि सुसाइड है तो बस खत्म. अगर ऐसा होता कि टेंशन होते तो आई थिंक पूरी दुनिया सुसाइड कर रही होती. मतलब इतनी लोगों के पास परेशानियां तो सबके पास है. वेल अब हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि पीछे क्या एक्चुअल स्टोरी थी कि क्यों उनको ना ये स्टेप उठाना पड़ा. एग्जैक्टली मतलब तो सेलिब्रिटी है, ठीक है, मेन हो जाए, ठीक है, बट बाकी जो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, वो कितने लोग कर चुके हुए हैं वो हमें तो पता ही नहीं है. बिल्कुल. और ये जरूरी पता है, मतलब हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि जो बंदा चला जाता है ना, फिर हम रिग्रेट करते हैं, फिर उसको हाईलाइट करते हैं, फिर मीडिया के मजे हो जाते हैं कि भाई हमको टीआरपी मिल जाती है और वो उसको फिर मतलब एक्सप्लेन करते हैं स्टफ लाइक दैट. मतलब आज जो मैं देख रहा था वो सोशल मीडिया पूरा फ्लडेड था, फेसबुक पे हर कोई पोस्ट कर रहा था वो, लेकिन जब ये जिंदा था तो कोई पूछ नहीं रहा था. आज जो मैं देखा सोशल मीडिया पूरा फ्लडेड था, जो नहीं भी जाता था वो भी शेयर कर रहा था, लेकिन मतलब जब ये जिंदा था तो कोई पूछ नहीं रहा था. मतलब ये मैं नोट करता जा रहा हूँ, ये जो पैटर्न बनता जा रहा है अभी से ही, पहले से, जैसे अभी चेस्टर बेनिंगटन नाम का बंदा था लिंकन पार्क का, उसको लोग भूल गए थे बीच में, लेकिन जब जस्ट बिकॉज़ क्योंकि कि ये सेलिब्रिटी है. एग्जैक्टली. अगर नॉर्मल आम बंदा भी होता ना सीरियसली, उस तब भी यही हालत था, पहले कोई जानना पहचान एंड देन बाद पोस्ट ऐसे कर रहे थे जैसे रिश्तेदार का जाने वाला था. एग्जैक्टली. ये मतलब मैंने चीज नोट की है, और मैंने मतलब इट्स शॉकिंग, इट्स सैड. मतलब जब बंदा हेल्प मांग रहा होगा, हो सकता है जाहिर है बंदा शौक से तो इसलिए नहीं करता, कितने लोगों के पास शायद हो सकता है उसने अप्रोच किया होगा हेल्प के लिए, सपोर्ट मांगा होगा, हिंट दिया होगा, किसी ने कैच नहीं किया, कोई समझा नहीं, एंड देन फाइनली इन द एंड ही हुआ, और आप मजे से उसकी ना शेयर कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो कि इसकी डेथ हो गई है. और ये बात नहीं है, मैंने कल खुद, मेरा एक करीबी जानने वाला है, He's from India, not from Pakistan. तो मैं कल उसके पोस्ट देख रहा था, पता नहीं कैसे अजीब सा कोइंसिडेंस है कि वो बंदा कल खुद ये कर रहा था कि मेरी मेंटल हेल्थ सही नहीं, हो सकता मैं सुसाइड कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, और आज मैं देख रहा हूँ सुशांत के साथ ये हुआ. तो ये अजीब सा कोइंसिडेंस, और मैं इस तरह के बहुत सारे पोस्ट देखता रहता हूँ. But we can't do anything about it. हम और कुछ भी नहीं कर सकते हैं किसी के लिए. तो खैर हमको बहुत ही बुरा लगा, और डेफिनेटली जो उनके फैंस हैं, फैमिलीज हैं, जो भी हैं उनके रिलेटिव्स वगैरह, उनको हिम्मत दे अल्लाह, और इस तरह आप सबको खुश रखे, और इस तरह आप लोग एक मेंटली आप सही रहो तो अच्छा है. एटलीस्ट खुद के लिए, अपनी फैमिली को या मदर को या फादर को देखकर ज़्यादा आप खुद के लिए अपने लिए जी सकते हो. बिल्कुल. और अगर कोई बोल रहे ना कि मेरा मेंटल हेल्थ का इशू है या कुछ भी, जैसे दीपिका बीच में उसने कहा था, दीपिका को 2014 में डिप्रेशन था. यस, वो बहुत मशहूर था. अच्छा. तो वो सामने आके बताया उसने भाई कि मुझे एक प्रॉब्लम है वो, लेकिन तब भी कुछ लोग थे जो उसको मॉक कर रहे थे, लेकिन शुक्र है वो अपने आप को उसने रियलाइज किया और मतलब वो बच गई थी एंड शी सर्वाइव्ड. तो मतलब We have to take it seriously. So guys, हम यहाँ पर अपना end करते हैं. I hope आपको आपको reaction पसंद आया. तो guys, do like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.